आज आप सोच रहे होंगे, मैं इस ट्रॉली के साथ खड़ी हुई हूँ विथ सो मेनी थिंग्स अराउंड मी, ये क्या है और मैं क्या करने जा रही हूँ। तो आज मैं अपने लिए वाइटनिंग ड्रिप्स प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं खुद लगवाना चाह रही हूँ। रीज़न बीइंग के एक तो काम कर करके चेहरे पर ग्लो ख़त्म होता जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो ये एक इम्यून बूस्टर भी है और ये वाइटनिंग भी करेगा, तो वाई नॉट टू अवेल इट फॉर माई सेल्फ। डिफरेंट क्या है हमारी ड्रिप्स में, हमारी ड्रिप्स में क्या एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैं खुद लगवा रही हूँ तो मैं काफ़ी इस चीज़ को डिटेल में स्टडी कर चुकी हूँ और रिसर्च कर चुकी हूँ, तो क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास। यूजुअली एक से दो चीज़ें जो हैं वो आपकी ड्रिप्स में डाली जाती हैं वाइटनिंग के लिए। हमारे पास जो हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, अराउंड 5 वाइल्स हैं जो हम नॉर्मल सलाइन में डाल के ड्रिप के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ये ड्रिप बहुत आराम आराम से लगाई जाती है 20 से 25 मिनट में और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता ऐसे। जब आपकी बॉडी हेल्दी है और आप कम्प्लीटली फाइन है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मेरी वाटर बॉटल मेरे साथ है, बस पानी पीना है। तो जितना आप पानी पियेंगे आप रिलैक्स रह सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली या कोई ऐसी मसले वाली बात है ही नहीं, वरना मैं अपना करवाते वक्त सोचती, लेकिन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट वी हैव इन द ड्रिप्स। हमारे पास जो है ड्रिप्स में नंबर 1 जो मेन वाइटनिंग एजेंट है दैट इज़ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है ओरल फॉर्म में भी आता है, लेकिन इंजेक्टेबल क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इंजेक्टेबल में आप अच्छी क्वांटिटी दे सकते हैं ग्लूटाथायोन की, और ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है, विच इज़ वेरी गुड। उसके साथ साथ हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, कोजिक एसिड, स्टेम सेल्स एंड अदर टाइप ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, जो आपकी स्किन को नरिश करता है और आपकी बॉडी को अंदर से बेटर फील करने में हेल्प करता है। इसमें हम लोग वाइटामिन B12 भी ऐड करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, और ओवरऑल जो आपको थकन महसूस होती है और जो लेथार्जी हो रही होती है डेली बेसिस पे, आप सुबह से लेकर निकले हुए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। साथ में जो वाइटनिंग एजेंट है, जो हमारा मकसद है ग्लो एंड वाइटनिंग का, वो ग्लूटाथायोन, कोजिक एसिड और वाइटामिन सी प्रोवाइड करता है। तो इंजेक्शन प्रिपेयर हो चुका है, पूरी फॉर्मुलेशन बन गई है, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कलेक्ट करके हमने एक सिरिंज प्रिपेयर कर ली है, जिसको हम इस ड्रिप में डालेंगे और ड्रिप लगाएंगे। इसके बाद ड्रिप को स्टार्ट करते हैं। ही इज माय स्ट्रेंथ, शी इज गोइंग टू हेल्प मी अराउंड विद द इंजेक्शन एंड द ड्रिप्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आप देख रहे हैं ड्रिप लग चुकी है एंड आई एम फीलिंग कंफर्टेबल एंड फाइन। बड़े आराम से मेरा वेन भी मिल गई है एंड इट्स ऑल वेरी मच स्मूथ एंड फ्लोइंग। बहुत सारे हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, FAQs आते हैं रिगार्डिंग दीज वाइटनिंग इंजेक्शंस। क्या ये सेफ है, इससे कुछ मसला तो नहीं होता, कौन लोग लगवा सकते हैं, कौन नहीं लगवा सकते, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कितने डोजेस चाहिए, ऑल दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, ये बिल्कुल सेफ है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप परफेक्टली हेल्दी हैं, आपका जो है लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो आप ये आराम से लगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं भी लगवा रही हूँ। रीज़न क्या है, ये वाइटनिंग इफ़ेक्ट एक तो देता है, ग्लो आ जाएगा, और मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ आजकल, जिसकी वजह से मेरा चेहरे पे थकान फील हो रही है, बॉडी भी मुझे थोड़ा टायर्ड फील होता है, तो मैं चाह रही थी कि मेरा फिर थोड़ा सा ग्लो आ जाए और मैं अपनी एनर्जी रिवाइव कर लूँ बेसिकली। सो I thought of getting these done. Usually I get it on monthly basis. So I thought of sharing कि मैं आज आपको बताऊँ कि ये बिल्कुल ही सेफ़ है, इसीलिए मैं लगवा रही हूँ। अब ये चलती रहेगी 20 से 25 मिनट तक। Meanwhile मैं अपना मोबाइल यूज़ करूँगी और इधर उधर देखूँगी, तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको इस तरह का कोई इशू है, थकन का, ग्लो कम हो गया है चेहरे पे, आप बहुत काम कर रहे हैं, थक जाते हैं एंड यू नो सुबह से शाम तक, या आप एक टॉडलर की मॉम है, तो आप ये लगवा सकते हैं, यू कैन गेट योर एनर्जीज बैक। So you can head over to #NASS and get these injections done. Thank you.